हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कोंडा एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब अपने लक्ष्य में कितने सफल होना चाहते हैं वह आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसी तरह से आप लोग अगर मन में जैसी भावना रखेंगे, जैसा सोचेंगे, उसी प्रकार आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने कोई चीज़ को कल को डालेंगे तो कल कभी नहीं आता है और हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं हो पाता है। और यही सबसे बड़ी सबकी कमजोरी होती है, जो इंसान अपने मन में ये मन बैठा लेता है कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे ही बोलूँ तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि अरे यार इतनी कम वैकेंसी 148 सीटें हैं, पोस्ट मतलब सिर्फ 148 वैकेंसी आई। और लोगों ने फॉर्म कितना अप्लाई किया, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, एक सीट में कम से कम 10-12 हज़ार लोग की मतलब कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि अरे यार जो 2021 के फेलियर हैं वो लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने देखा है ऑनलाइन अपने जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो जब टेस्ट होता है तो उनसे पता चलता है कि यार हम उनके आगे हैं तो हमको कुछ भी नहीं आता ऐसा लगता है। तो ऐसा क्या है उनमें? तो ऐसा नहीं है, जब वो लोग क्या मन में ठान लिए, जैसे उन्होंने फेलियर, उनको पता है कि हम लोग इतने नंबर से मतलब नीचे गए थे, इतने पॉइंट से हम लोग पीछे हुए, तो वो लोग क्या दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अभी कभी एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, हमको पता नहीं, हमने कंपटीशन हॉल में कभी हमने बैठा ही नहीं है, हमने कंपटीशन देखा ही नहीं, हमारे मन में वो चीज़ नहीं है जितना जो एक बार हार चुका होता है इंसान, उसके अंदर वो जिज्ञासा ललक ज़्यादा होती है। अभी हम लोगों ने वो चीज़ को गुजारा नहीं, जिसके बोलते हैं जिसके ऊपर गुजरता है बीतता वही जानता है दर्द क्या होता है। तो कोई एक पॉइंट से जो कोई 0 पॉइंट से मतलब रुक जाता है, उसका दर्द अलग होगा। हम लोग भले मेहनत करते हैं लेकिन हमारे अंदर उतना वो मोटिवेट नहीं हो जितना वो लोग मतलब हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार रिजल्ट दिया है, हार गए हैं और वो जीतने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग कितनी समस्याएं होती हैं कि अरे यार मुझे ये प्रॉब्लम, मेरा बच्चा परेशान करता है, मुझे ये प्रॉब्लम है। हम लोग इन छोटी सी चीज़ों को लेकर के एकदम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और एकदम मन मार के बैठ जाते हैं कि यार एग्ज़ाम की डेट तो आ ही नहीं है, पता नहीं 2-3 साल से तो हो गया। इस तरह हमें मन में विचार चलते रहते और हम एकदम टूट जाते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है। और अरे यार कि क्या पढ़े, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, कुछ एग्ज़ाम की डेट नहीं, बस मन में यही रहता और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और वही लोग जो ऐसे भावना रखते, जैसे हम लोग ऐसी भावना कि 3 साल से पढ़ रहे हैं, तबीयत भी सही नहीं है, बच्चा भी परेशान करता है, घर काम हो जाता है, लोग क्या बोलेंगे, ना पढ़ाई हो पा रही ना घर काम हो पा रहा है, ऐसे दो काम में हम लोग एकदम बंद के रह गए, इधर के ना उधर के। तो इस तरह हमें मन में चलता है तो हम लोगों को न इधर के अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं ना एग्ज़ाम के लिए अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। और अच्छा रिजल्ट कौन पा रहा है, जो एक बार फेल हो गया वो सब कुछ छोड़ करके, घर बार जो भी है दुख सुख, तो वो सब छोड़ करके एकदम पढ़ाई में लगे हुए हैं। एक मैं अपने सही मेरे सामने की बात है, मेरी मतलब सहपाठी हैं, मेरे साथ ही ऑनलाइन क्लास लेती हैं, उनकी दो बच्चे साथ, उनके हस्बैंड उनको छोड़ते, 2021 में उनके कुछ नंबरों से पॉइंट से उनका सिलेक्शन रुक गया था और उनकी ये आखिरी मौका है उनके लिए, एडिट हो गई, मतलब उनकी एज काफ़ी हो गई, 34-35 कुछ ऐसे, दो बच्चे भी उनके हैं। और 2021 से वो जितनी भी क्लासें होती हैं वो सब कुछ ज्वाइन करती हैं, हर बार वो मतलब क्लास पूरा ले लेती हैं, एक भी कोई भी क्लास मिस नहीं करती। और सबसे बड़ी बात तो बोलूँ कि उनकी मम्मी बीमार रहती थी और हॉस्पिटल से वो रहकर भी मतलब ऑनलाइन क्लास लेती थी, इतने होने के बावजूद भी भगवान से देखा नहीं गया और उनकी मम्मी की डेथ हो गई। उनकी मम्मी की डेथ सुबह हुई थी और शाम को क्लास थी, शाम को बोलो उन्होंने मतलब उन मैडम ने क्लास लिया। अब सोचो कि कितनी मेहनत कर रही होंगी, हमारी मेहनत उनके कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो एकदम अटूट विश्वास भरोसे के साथ लगे रहते हैं। एक माँ का चले जाना दुनिया सबसे बड़ा गम होता है, माँ ही दुनिया में लाती है, माँ ही नहीं रहती तो कितना बड़ा मतलब दुख होता है, वो एक बच्चा ही समझ सकता कि माँ का होने ना होने पर कितना हमको महसूस होता है। तो अब वो सोचे कितना मेहनत करती हैं, उनका लास्ट मौका है और हम लोग कितने बहाने बनाते हैं। तो बहाना आप कितना ही बनाओ कोई नहीं देखने वाला, जब आप सफल हो जाओगे तब आपकी गिनती हो कि आप मेहनत करते थे कि नहीं करते थे। जो हम मेहनत करते हैं सब बोलते हैं कि आप बहुत मेहनत कर, वो कुछ भी नहीं है, मेहनत आपकी तब सफलता जब आप रिजल्ट आज के
पॉजिटिव लोग क्या है, वो रिजल्ट देखते हैं। आप कितनी मेहनत करते हो वो कोई मायने रखता, रिजल्ट सामने है तब आप चलेगा कि हाँ आप मेहनत करते हो। ये अभी सब बोले टाइम पास हो रहा, कुछ भी नहीं है, सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, सब बंद करो, पढ़ाई बंद करो, जॉब कुछ नहीं, घर पर काम करो वही बहुत है। तो इस तरह से अपने आप को अगर कुछ करना है तो आपको बहाने छोड़ करके अपने मन में विश्वास दृढ़ता लाइए और आगे सफल होने के लिए मन में एकदम भावना को बैठा लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो मेरा प्रयास है सफलता पाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, बट अभी मेरे से हो नहीं पा रहा, बस अब ये बहाना बोलूँ क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम अभी कुछ चल रही है। तो आज मैं जो मेरा आज का जो टॉपिक था वो TGT आर्ट का, और एक मतलब एक सिस्टर ने पूछा कि आप TGT आर्ट कौन से बुक मतलब पढ़ती हैं, तो मैं उनको बताती हूँ इंडियन आर्ट है, इसमें 4 खंड है, गुफाएँ, प्रागैतिहासिक काल है, और इसमें सभी चीज़ आ रहा है, जितनी शैलियाँ हैं वो सब इसी में गुफाएं वगैरह हैं। तो ये मैं पढ़ती हूँ, और आज मैं पढ़ रही हूँ सिगिरिय गुफाएं, इससे एक नंबर आता ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। बस इससे एकदम डीपली नहीं पूछा जाता, ऊपरी ऊपर पूछा जाता है कि कहाँ है, भारत के बाहर है, सब ऐसे ही इसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, घर का काम भी कर रही है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मतलब स्ट्रिक होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाएंगी। वरना आज के कंपटीशन बहुत बहुत टफ है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है तभी आप कर पाएंगे, वरना टाइम पास की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह रहा मेरा वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।